हाँ जी दोस्तों, जिंदगी दी खेडां दे विच इक वार फिर तुहाडा स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। कामकार ही दिखाउणे ने सिर्फ कामकार, ते कामकारां दे विच इक ट्रैक्टर दा नवां काम शुरू हो चुका है। एक ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया, स्टिकर लगने वाले नेगे ओह दिखाउणे हैगे। नाल बने रहो, जिन्हां ने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता भाई चैनल सबसक्राइब कर दिओ, ते पेंट ते किहड़ा ट्रैक्टर लग्गिआ उहदे बारे भी जानकारी देवांगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। फेसबुक वाले वीडियो शेयर करिआ करो भाई, नहीं लिया एक मोहाली तों किन्नी ट्रैक्टर है, ठीक है। ये ट्रैक्टर भी अपने कोल न्यू चंडीगढ़ तों हैगा, इह ट्रैक्टर आया होइआ अपने कोल। तो इन्हों का ट्रैक्टर मकैनिकल काम अज शुरू कर दिता गया। यदा इंजन उंजन खोल रहे हैं, क्रैंक खोल रहे हैं, देख रहे हैं कितने कितने इंजन है। क्रैंक खुल गई तेरी, दसते सीगा मॉडल किन्ना, मॉडल किन्ना उन्होंने आपदा, क्या बात है। दसते क्रैंक निकली बई, साडा बड़ा फायदा हो जाता है जो दसते निकले, खजर कुआली घट होंगी है। तो पर ऐ भी जो समान पैना वो तो बई नवा ही पैना, वो तो सामने तुम्हें दिखा के पावे जिड़ी चीज़ा पावे। तो जी जिमें लुक जिमें ट्रैक्टर हूँ यह जहाँ दिख रहेगा, यदि फोटो खिंच ली सी यार, कोई खोलने तो पहला खिंच लिया करो यार, इन्ना इन्ने इन्ने कच्चे ना चलिया करो। वीडियो भी बनाने होंगे, बाद च दिखाना भी होंगे गा। चक फोटो नहीं खिंची, एक कह जा दिखता सी भाई। हूँ पुरानी वीडियो कोई किसी तुम्हें दिखावे, उस क्लिप चक के दिखा देंगे। तो यू फिर यह जहा बना या किमें का बना, आप अगली वीडियो से पता लगू। तो यार ट्रैक्टर बई यह हूँ यह जहा लग रहेगा, उस तो बाद यह बनने बाला टाइम नहीं लगना है। ये बारे जानकारी देने, ट्रैक्टर बहर जाना बई अपना, तो बहर जाने वास्ते यह रेडी है पूरा, ठीक है। ये स्टिकर लगने ने गे, बाकी काम भी उस हिसाब का ही होएगा भी बहर जाके दिक्कत ना हो। पर जो 16 के टायर पाले, जे किसी ने मैं सही रैकमेंड तुम्हें यह करूँगा, जे तुम ट्रैक्टर बहर लैके जाना है 14 के टायर ट्रैक्टर तैयार कराओ बई। वध तो वध जो मॉडिफाई करवाना है, पावर स्टीयरिंग करवाना अपने, 14 के टायर तैयार कराओ। सिंपल सीधे टायर रखो, बहर लैके जाओ, तुम्हें खज्जल खुआरी बहुत घट होनी है बहर जाके। नहीं तो भाई कदे कोई ढिला होया, कदे कोई ढिला होया, वो चीज़ा चलती रहिंदियां नेगियां। पर इहदा अपने वल्लों अपने पूरी तसली की हैगी, बाकी जदों बहर पहुँच गए उदों जिहड़े बहरले दो चार वीडियो पाउणगे उदों पता लग जूगा भी वधिया चलदा जां माड़ा चलदा हैगा, वो तुहानूं सारयां नूं पता लगूगा बई। फिर ट्रैक्टर का काम शुरू हो चुका है सारा, यदा बहुत सोहना काम होना है। यदा भी एडवांस दी आई पावर स्टेयरिंग होना, एडवांस दी आई इंजन होना है, डूअल क्लच होना है, गेयर सारा कंप्लीट नवा, पिछे तेल ब्रेकां होनिया नेगियां, वह सारिया चीज़ा यदि कंप्लीट होनिया ही होनिया नेगियां। तो नाल ये काम दिखाई चलेंगे। चलो यदा मकैनिकल काम शुरू हो गया, ये पार्टी बधाई मुबारक सारे। लो जी हम बहर कड़ते हैं ट्रैक्टर, तो दिखाने थोनों की गलबात बनी है। बस मेन गला स्टीकर, स्टीकर का ही रह गया काम, न्यूट्रल लाओ आवाज। अलायंस के टायर मूरे MRL बन गई गलबात घंट पूरी जज का बी ट्रैक्टर। तू आ कितने खत्म, चल ला दे सैट जा करके उधर, उधर जन ला दे। लो जी बन गई बई गल ट्रैक्टर की पूरी, तो कल बई यदि डिलीवरी करनी है, तो अज देख रहे हूँ स्टिकर स्टूकर लवावे, बस स्टिकर का ही रह गया काम, बाकी दाए लाओ टोटल लड़ गया ट्रैक्टर।
ट्रैक्टर बाहर कढ लिया एक बार तो स्टिकर लगाने तो पहला थोड़ी मैं निगाह मरवा दा तो उस तो बाद तुरद फिरते नज़र आऊगा यह अज वाली वीडियो के दिखा देना तुरते फिरते माड़ा जहा लुक जाना कि नहीं तो ट्रैक्टर तो बस कल फोर्ड 36 वाले स्टिकर लगने एक घंटे तक लग जाएंगे बंपर देख लो आप ही देख लो कि लगे बंपर की क्वालिटी बहुत सोहनी है तो पेंट क्वालिटी भी सोहनी है बाकी ये पिछले ईपी हिस्सा लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगेगा हिस्से के पिछे डिस्ट्रीब्यूटर से इस करके कोई दिक्कत नहीं होंगी है ज़्यादा जिमें ओरिजिनल है उही चीज़ ओरिजिनल ही लगेगा तो पिछले 16 के टायर पाए ने मूहरे पाए ने गे 1945-17 पर यह स्पीडवेज कंपनी के नेगे कस्टमर ने आप खरीदे ने कस्टमर ने आप ही रिकमेंड किए तो आही उन्होंने आप ही भेजे ने टायर डूअल क्लच हो गया एडवांस DI इंजन हो गया पावर स्टेयरिंग हो गया पिछे EPI वाला हिस्सा लग गया तो फाइबर छतरी लग गई तो बाकी सारे टोटली कम हो चुके हैं कि लुक बड़ी सोहनी आई है पिछों भी बहुत बल्की लगता ट्रैक्टर फोड़ तुरै जाता बहुत घंटा लगता है सड़कते चलो ये ट्रैक्टर के बारे हम जी जानकारी देवे थोड़ू स्टिकर लगन तो बाद कंप्लीट जो फाइनल वीडियो बनावे उदो यदी गल करा थोड़े न बाकी खड़ा ही प्रभाव पाई जाता भाई ये चलो इन्हें इधर पता कढ़िया बहर यदि भी डिलीवरी होजू खाली होजू और कम उन्होंने होर दूजे ट्रैक्टर फड़ी जे खेत खड़े ने तो इन्हें यदा खोल खली कर रहे हैं गे तो इधर फोर्ड 3000 के कुछ पार्ट ने गे ये फोर्ड 3000 के पेंट हो रहे हैं फोर्ड 3000 के जोड़े पार्ट लिंकां ने गियाँ पैरदान ने या होर चीज़ा ने उन्होंने प्राइमर बज के पेंट होने का कम शुरू हो चुके गा छोटे कम सारे चल रहे ने छतरी वाला ठीक है फाइबर छतरी भी आ चुकी है सारी आ शो पई है हम सैटिंग सुटिंग करके काम शुरू हो जूगा बाकी लिंक हो चुकी ने बी फोर्ड 6600 की भी नाल ही शो पई आ जी आले ने फोर्ड 6600 के ने तो 3600 के ने इन का फर्क दिखाने थोनू नाल तरके दिखाएंगे नहीं दोनों 3600 वाला तो फोर्ड 6600 वाला पल्ले का फर्क दिखाने थोनू इन्ना फर्क है बस 6600 फर्क है बस चल रहे ने काम भी ओके एक ये तो बाद एक होर खुलवा दे नाल दी नाल ठीक है खेती खुलवा देंगे ट्रैक्टर का कम भाई वधिया चली जा रहा है वधिया ऑर्डर आई जा रहे हैं तो वधिया सारे है ना निकली जा रहे हैं सोहने तैयार हो रहे हैं तो अपने वालों भी अपने काम पूरा खिंचन की कोशिश की हुई है मैं थोड़ा बिजी चल रहा है तां करके डिटेल दे विच पूरा काम कम दिखा नहीं पा रहा पर वधिया चल रहेगा तो हूँ एक कुछ भरावां दे डाउट नेगे वह क्लीयर कर दी एक तो फोर्ड 3000 बहुत कॉल आउंदियां ने बई मिलता है ठीक है थोड़ा महंगा मिलता है फोर्ड 3600 नालों ऐ नालों 20-30 हज़ार 50 हज़ार महंगा मिलता है फोर्ड 3000 मिल जाता पर जो लभण तो ये तो मिल जाता है तो दूसरा 3600 पहला तो 3000 जे किसी ने ओरिजिनल तैयार कराने भरा ओरिजिनल मतलब जिमें कंपनी चो आया सीगा सेम वो चीज़ तैयार करवानी है ना तो मान के चलो 4-4.5 लाख रुपया लग जाता कंप्लीट से सारा कुछ करने ठीक है तो उस तो बाद तेल ब्रेकों के चक्कर च पैने बई आप है ना तो उस तो बाद तेल ब्रेक करा लो डिस्क ब्रेक करा लो पावर स्टेयरिंग करा लो उच्चे पैरदान करा लो डिस्क क्लासिक मड गार्ड लवा लो ADI इंजन करवा लो तो होर जिहड़ियां भी चीज़ां तुसीं करवाना चाहुंदे हो ना चौड़े टायर पवा लो जिन्नियां चीज़ां उहदे उत्ते ऐड हो जाणगियां उन्ना खर्चा वधी जाऊगा उस चीज़ों का बस उन्नी कॉस्ट वधी जाऊगी ना उपर मान लेंगे चलो जो वधिया ट्रैक्टर जिवें हुण चौड़े टायरां वाला होया भाई इह ट्रैक्टर है मान लो टायरां तों बिना ठीक है ये ट्रैक्टर 5 लाख च भी तैयार हो सकता है 6 लाख च भी हो सकता है 6.5 च भी हो सकता है ना तो वो डिपेंड करता है भी तुसीं कि चीज़ा वो पाने हो कि टायरों तो बिना टायरों रिमां तो बिना तो टायर जो साढ़े गल छड़ी तो टॉप ही पाने भाई BKT पाने है ना तो उस तो बाद टायर अलग अलग कंपनियां ने जिते मर्जी कॉस्ट कर लो तुम 60-70 हज़ार के भी टायर पवा सकते हो तुम 1.5 लाख के भी टायर पवा सकते हो तो खुशी है तुम्हारी वो हैगी है ना भी थोड़ी मन कितने कि चीज़ से खड़ता है वो चीज़ हैगी तो बाकी वही मैं दस ही दिता मोटा जहाँ थोड़ा भी 4-5 लाख तो शुरू मान लो भी ओरिजिनल ट्रैक्टर उस तो बाद जिन्नी चीज़ा लाई चलेंगे उन्ना उन्नी चीज़ों के रेट बढ़ी जाएंगे उन्ना उन्नी जिनी साड़ी लेबर कोस्ट बढ़ी जाऊगी उन्ना ही सारा कुछ ट्रैक्टर कंप्लीट मॉडिफाई होने तक का रेट बढ़ी जाऊगा तो यही चीज़ा होंगे भाई जो ट्रैक्टर तैयार कर देंगे कई भरा जिमें कहते हैं भी कला इंजन होने वाला है या इंजन साडा सैट उपर उपरों कर दो चीज़ा फिर पॉसीबल नहीं होंगे भाई है ना जे अपने मान लो भी 2-2.5 लख रुपये जो कला पेंट भी करवाना ना थोड़ा ट्रैक्टर वधिया दिखने वास्ते 2-2.5-3 लख रुपया थोड़ा फिर भी लग जाना जो मैं कहता भी मैंने 70-80 हज़ार रुपया पेंट का लैने भाई 90 हज़ार पेंट का लैने है ना सैंड प्लस कर देंगे है ना
तो 90,000 ट्रैक्टर नहीं तैयार होना बई, थोड़े टायर भी पैणगे, थोड़े मगराट भी पैणगे, थोड़े पैरदान भी पैणगे, थोड़ी वायरिंग भी पेगी, थोड़ियाँ होर असैसरी बहुत सारी लग जाएगी वो जाके कंप्लीट ट्रैक्टर होना थोड़ा माड़ा तो देखने योगा बनना थोड़ा ट्रैक्टर। तो मन के चलो भी जो 70-80 हज़ार रुपये कोई पेंट कर रहे हैं तो कल पेंट का ट्रैक्टर नहीं मॉडिफाई हो सकता बई, उस तो बाद जी असैसरी लगनी हैगी उन्हें गल बनानी हैगी तेरे कि टायर पाने तुम्हें कि रिम पाने के कलर कर दोगे वो चीज़ ने थोड़ी गल बनानी है तो ओवर नहीं करते जचा के रख दें चीज़ में है ना। जिम्मे हूँ सिंपल है स्टीकर तो बिना जची जाता चीज़ तो चलो भाई यही चीज़ें थोड़े ना क्लीयर करनी, बाकी जो कोई डाउट हूँ मेरा नंबर स्क्रीन के उत्ते आ रहा है जो तो मर्जी सूँ कॉल कर सकते हो, तो किसी ने मॉडिफाई कराना साढ़े तो मॉडिफाई करवा सकते हो, किसी ने ऑर्डर देना ऑर्डर करा सकते हो, 5-6 महीने का टाइम दे देने के जिनी जल्दी ट्रैक्टर हो जाएगा उन्नी जल्दी ट्रैक्टर डिलीवर कर देना। तो इस तरीके ने प्यार बनाए रखो भाई, मिलते अगली वीडियो के दिलों धन्यवाद।